और सबसे बड़ी बात ये है कि गौरव और मनीष मनीष भाई सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। क्या मस्त है भाई, मस्त। मतलब पहले भाई लोग अपन इधर इस साइड से आया करते थे, बट अभी इस साइड से बंद कर रखा है। अपन मेन द्वार से अंदर जाएंगे, अपन को लाडली जी के दर्शन होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग से स्टार्ट हो रहा है हमारा बरसाने से, एंड अभी हम जा रहे हैं राधा रानी जी के महल। सो दैट्स द एंट्री पॉइंट, एंड जो भीड़ है भाई वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई। सब अपन काफ़ी लेट हो चुके हैं जाने में, और अपने साथ काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको कि कौन कौन है हमारे साथ। ये हेयर इज मनीष भाई, मम्मी, मौसी, भैया, गौरव, और ये ललित, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ। और अभी फटाफट से चलते हैं मंदिर के साइड। आने की एक्साइटमेंट भाई काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब हम लोगों को, मैं, गौरव गौरव और एक बंदा हमारे साथ और आने वाला था, वो था ऋतिक, बट वो नहीं आ पाया। शायद आ भी सकता है आज शाम तक, बट उसका पक्का नहीं है। जैसे भी होगा वो बताएगा। बाकी अभी अपन जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो फटाफट से चलते हैं। पहले भाई लोग अपन इधर इस साइड से आया करते थे, बट अभी इस साइड से बंद कर रखा है। एंड हियर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अपन को ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, और सारी स्टेयर्स हमारी स्टेयर्स चढ़ के ही जाना है। मनीष जी महाराज बरसाना, ये रहा मेन गेट भाई, एंटर करते हैं। फाइनली भाई अपन मेन द्वार पे आ चुके हैं। ये रहा मेन द्वार, और यहाँ से व्यू काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है भाई, मस्त है एकदम व्यू। और जब अपन मेन द्वार से अंदर जाएंगे तो अपन को लाडली जी के दर्शन होंगे, और ऊपर जाके वहाँ से और अच्छा सा व्यू मिलता है। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गौरव और मनीष मनीष भाई सब लोग अलग अलग हो चुके हैं, तो पहले उन्हें ढूंढते हैं, फिर ऊपर चलते हैं दर्शन के लिए। फाइनली भाई दर्शन करके जा रहे हैं नीचे के साइड, एंड जितना पॉसिबल हो सकता था उतना दर्शन कराया है मैंने आप लोगों को भी। बाकी वहाँ पर फ़ोन वोन का अलाव, मतलब वीडियो बनाना अलाव होता नहीं है, बट जितना हो सकता था उतना मैंने किया। अभी अपन जा रहे हैं नीचे के साइड, नीचे चलते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे। दर्शन कर आ चुके हैं अपन, और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी पहले रास्ता से जा सकते थे दर्शन के लिए, बट अभी उस तरफ से आना पड़ता है पूरा घूमकर। काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं भाई। बाकी मम्मी अभी भी कुछ ले रही हैं, और भाई यहाँ पे मोर पंख की ड्रेसेस हैं भाई। मैं एक बार क्लोज जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई मोर पंख की ड्रेसेस बनी हुई हैं भाई। अभी घूमने के लिए निकले थे, और आज का जो डे का टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब इससे पहले लगातार बारिश भी हो रही थी, बट पता नहीं क्यों आज इतना टेम्परेचर हाई था, कुछ पूछो मत। बाकी अभी अपन घूमने के लिए निकले थे, एंड भीड़ चेकआउट करो भाई, क्या तबाही भीड़ है भाई, मस्त। मतलब अभी शाम को और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये भीड़। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, फिर शाम को हम वापस आएंगे घूमने के लिए। अभी जस्ट हम घूमने के लिए निकले थे, देखने के लिए निकले थे। और आफ्टरनून में तो भाई इतना धूप था, कुछ पूछो मत, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा था। बाकी अभी आपको सीन चेक करवाते हैं भाई। ये देखो क्या मस्त है भाई, मस्त। मतलब अभी शाम, मतलब जैसे ही रात होगी तो लाइट वाइट का मस्त हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बढ़िया लगता। बाकी शाम होती है फिर आपको दिखाते हैं एक बार। जैसा कि भाई मैंने बोला था, थोड़ी देर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे ही हुआ। भीड़ अभी दुगनी हो चुकी है, देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बाकी अभी अपने पीछे कीर्ति मंदिर, अंदर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाई अभी अपन आ चुके हैं कीर्ति मंदिर के अंदर, और ये कुछ सीन चेक करिए भाई, मस्त है भाई, मस्त एकदम।